नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नवंबर 2020 का मासिक राशिफल बताने वाली हूँ तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं तुला राशि के लोगों के बारे में। तुला राशि के लोगों को जो है नवंबर का महीना कैसा बीतने वाला है। ऑफिस में किसी सहकर्मियों से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। विवादों का निपटारा करना पड़ेगा। भोग विलास में आप काफ़ी डूबे रहेंगे। मानसिक शांति में कमी आएगी। सभी परिजनों को मिलाकर रखने की चुनौती रहेगी। बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। दान पुण्य के प्रति आस्था रखेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशानी होगी। संबंधों में खींचातान रहेगी। ग्रहों के प्रभाव के कारण बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। अचल संपत्ति को लेकर लापरवाही न करें। संबंधों में खींचतान रहेगी। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। सोचे हुए काम के न पूरा होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को 20 नवंबर तक अंजाम न दें। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। कोई अपना व्यक्ति धोखा दे सकता है। महीने का पहला जो भाग है, मतलब पहले दिन है महीने के, वो अनुकूल रहेंगे। यात्रा के दौरान सामान का ध्यान रखें। गलत कामों में से जो है अपने आप को दूर रखना चाहिए। नवंबर महीने के आखिर में कोई प्रेमी जन आपको प्रकोप कर सकता है। भरपूर नींद अवश्य लें। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। नवंबर की शुभ दिनांक है तुला राशि वालों के लिए 1, 7, 10, 13, 19, 25 और 28। अशुभ दिनांक है 2, 3, 11, 12, 21 और 29। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइएगा, उसके बाद घंटे के बटन पर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस सब्सक्राइब करने पर जो है मैंने मेरे चैनल पर जो बाकी के वीडियोज़ डाले हुए हैं उन्हें भी आप फ्री में देख सकते हैं। आप जानते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में। नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। अचानक धन वृद्धि और मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। विद्यार्थियों को कड़े परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। शिक्षा और ज्ञान को विस्तार देने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक मामलों में अनुकूलता रहेगी। सूर्य के गोचर के बाद नई नौकरी मिल सकती है। हिम्मत और जोश के साथ काम करने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। कई तरह की मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी न करें। महीने के आखिर में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। पुराने मित्रों से आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी में स्थानांतरण एवं पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य के प्रति अपना समर्पण बनाए रखें। कारोबार में नई तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। आँखों और हड्डियों में कुछ समस्याएं हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के प्रति आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। शुभ दिनांक है नवंबर की 1, 3, 10, 11, 12, 26, 20, 21, 28 और 30। अशुभ दिनांक है 5, 6, 13, 14, 18 और 23। अब जानते हैं धनुराशि के लोगों के बारे में। आप मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। सोशल मीडिया पर भी आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए जानते हैं धनुराशि के लोगों के बारे में। अब नवंबर महीने की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। विनम्र स्वभाव के कारण आपकी प्रशंसा होगी। संतान के व्यवहार से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपको कारोबार में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। परिवार में आपके बड़े भाइयों के प्रति आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहेगा। नए कार्यों की योजनाएं बन सकती है। काम ज़्यादा होने के कारण शरीर में थकावट रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। ऑफिस का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। सास से जुड़ी समस्याएं में बढ़ सकती है। नए मकान में शिफ्ट करना चाहते हैं तो समय अनुकूल नहीं है। आपकी बातों की अवमानना हो सकती है। विदेशों में व्यापार कर रहे हैं तो उन लोगों का जो रुका हुआ धन है वो उन्हें वापस मिल सकता है। लोहे से चोट लगने का भय है। समझदारी से परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। नवंबर महीने के मध्य में आपको स्वास्थ्य के कारणों से डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। शुभ दिनांक है नवंबर महीने की 3, 4, 11, 12, 14, 19, 23, 24 और 30। अशुभ दिनांक है 7, 8, 16, 17, 21, 25 और 26। तो ये था इन तीनों राशियों का मासिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।